राजस्थान लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है 1012 पदों पर, इसका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी गलती के। अगर आप अपना फॉर्म अच्छे से भरना चाहते हैं तो लाइव प्रोसेस में दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, आप कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। यह राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका डायरेक्ट लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर आप पहले से लॉगिन है तो यहाँ से अपनी एसएसओ आईडी वो डालनी है आपको। उसके बाद यहाँ से अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने पासवर्ड बनाया था। उसके बाद यहाँ से एक कैप्चा फिलअप करना आपको और यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। अगर आप पहले से लॉगिन नहीं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप लॉगिन होंगे। जैसे ही आप यहाँ से आप गूगल पर क्लिक करेंगे, जैसे ही गूगल पर क्लिक करते हैं यहाँ से अपनी ईमेल आईडी डालनी है आपको, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। डालने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करते हैं उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद शो करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। देखिए जैसे ही आप पासवर्ड डालते हैं आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। यहाँ से आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं देखिए आप नीचे आएंगे। यहाँ से देखिए लैब असिस्टेंट पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आप। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ से किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, लैब असिस्टेंट साइंस, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैंने ज्योग्राफी के लिए अप्लाई करना तो यहाँ से आप ज्योग्राफी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से आपको बेसिक डिटेल आपको डालनी है। यहाँ से अपना नाम डालना है आपको, जो भी 10th क्लास की मार्कशीट में वही नाम डालना है आपका। उसके बाद यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अपना फादर नेम डालेंगे, यहाँ से अपनी मदर नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे आप। यहाँ से अपनी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप करेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ से सब कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से अपना धर्म रीजन जो भी अपना अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिड अनमैरिड जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, ये अगर मैरिड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डालनी होगी। उसके बाद यहाँ से आपकी ईमेल आईडी दिखा देगा आपको, यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डालना है आपको, यहाँ से अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे आप। उसके बाद यहाँ से अगर आप राजस्थान से हैं यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से अपना एड्रेस डालना आपको, कंप्लीट एड्रेस हो यहाँ पर डालना आपको। यहाँ से अपनी स्टेट यूटी जो भी आपकी यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने हरियाणा डाल दिया है। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से अपना सिटी विलेज जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डालेंगे आप। उसके बाद यहाँ से अपना पिन कोड डालेंगे, अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ सेम पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। मैं जल्दी से फिलअप करके आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही आप बेसिक डिटेल फिलअप करते हैं उसके बाद यहाँ से अपनी पर्सनल डिटेल आपको डालनी है। यहाँ से आप नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से किस स्टेट से हैं आप, यू आई अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने हरियाणा डाल दिया। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे आप, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, ये अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से आप तहसील ये आपके ऑफ हो जाएंगे। वैसे ही अगर आप राजस्थान से हैं तो ये आपके ऑन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से एक्स सर्विसमैन है ये उसमें अपने अकॉर्डिंग करेंगे आप। सपोर्ट पर्सन है तो ये इसमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। एनसीसी है तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। भूतपूर्व कैदी हैं तो ये इसमें अपने अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ से आप। स्टेट एम्प्लॉय हैं तो ये इसमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डालेंगे आप। एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है तो ये इसमें अपने अकॉर्डिंग करेंगे आप यहाँ से। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप चेक कर लेंगे, अगर कोई भी अकॉर्डिंग अपने आप है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। देखिए जैसे ही नेक्स्ट करते हैं आप उसके बाद यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है आपको। यहाँ से आपने सेकेंडरी की डिटेल आपको डालनी है। यहाँ से आप यहाँ से अपने सब्जेक्ट डालेंगे आप। उसके बाद यहाँ से किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी आपने वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ से रोल नंबर डालेंगे। यहाँ से आप रिजल्ट की डिटेल डालनी है आपको, करेंट पंच जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप डालेंगे।
उसके बाद यहाँ से किस ईयर आपने टेंथ क्लास पास की थी वो यहाँ अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप डालेंगे। यहाँ पर आप परसेंटेज कितनी थी आपको यहाँ पर डालनी है वो। उसके बाद यहाँ से प्लस टू की डिटेल आपको वो डालनी है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास प्लस टू में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या रोल नंबर था आपका प्लस टू का, यहाँ से आप परसेंटेज जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से किस ईयर आपने प्लस टू पास की थी वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपने परसेंटेज डालेंगे आप, जैसे ये फिलअप करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखी है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल भी डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग करेंगे, देखिए अगर आप पहले किसी भी परीक्षा से बाहर किए गए हैं तो ये सुनो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप करेंगे। अगर किए गए तो यहाँ से आप उसकी डिटेल डालेंगे आपको, अगर नहीं किए गए तो नो पर क्लिक करके आप यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। देखिए जैसे ही आप क्वालिफिकेशन डिटेल डालते हैं उसके बाद यहाँ से अपना फ़ोटो आपको अपलोड करना है। मैक्सिमम साइज रखा गया 50 से 100 KB के बीच में आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं आपको, हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करने हैं। साइज आपका 20 से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, दोबारा से इंग्लिश में सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। मैक्सिमम साइज रखा गया 20 से 50 KB यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आपके शरीर पर कोई भी निशान है तो यहाँ पर उसकी डिटेल डालेंगे और यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। मैं जल्दी से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही आप अपने सिग्नेचर और फोटो अपलोड करते हैं उसके बाद आपका फॉर्म का प्रीव्यू दिखा देगा आपको, आपका फोटो दिखा देगा किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया। जैसे मैंने लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ से आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपकी कैटेगरी, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सभी अच्छे से चेक कर लेंगे आप। उसके बाद नीचे आएंगे आपका मोबाइल नंबर दिखा देगा, आपको ईमेल आईडी दिखा देगा, आपका एड्रेस यहाँ से आप अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से पर्सनल डिटेल आपको चेक करनी है। उसके बाद यहाँ से अपने जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट किया था, उसके बाद यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल आपको अच्छे से चेक कर लेनी है ये। उसके बाद देखिए यहाँ से आप डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके साइन दिखा देगा। उसके बाद यहाँ से फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। देखिए इसके बाद आप कोई भी फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे, अगर कुछ एडिट करना तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी एडिट इसमें नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अच्छे से चेक कर लेंगे। मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही आप सबमिट करते हैं यहाँ से ये एग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। देखिए जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था। ये आपका टेम्परेरी ट्रांजेक्शन नंबर है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, देखिए जो आपकी फ़ीस लगेगी 450 रुपये फ़ीस लगेगी अदर स्टेट के लिए, मैंने अदर स्टेट से अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ से फीस नाव पर, फीस पे पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ से टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए जो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है पेमेंट के ऑप्शन पर, यहाँ से आप थोड़ा वेट करें। देखिए यहाँ से अपना बैंक वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी जिस भी बैंक से आपने फीस पे करनी है, यहाँ से आपके सभी बैंक आपको देखिए यहाँ से आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फीस पे नाउ पर क्लिक करेंगे आप। देखिए जैसे ही आप पेपर क्लिक करते हैं यहाँ से आपको फीस वो पे करनी है आपकी, 450 रुपये फीस लगेगी अदर स्टेट के लिए। यहाँ से अपनी यूज़र आईडी और पास इंग्लिश यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे और लॉगिन करेंगे। मैं आपको फीस पे करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही आप फीस पे कर देते हैं आपका फॉर्म वो कम्प्लीट हो जाता है। यहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, ऐसे अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं आप बिना किसी गलती के। उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसे अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।